उधर सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मनोहरपुर में चुनावी सभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। गीता कोड़ा के पक्ष में वोट की अपील करते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि गीता कोड़ा को जिताकर पीएम मोदी का हाथ मजबूत करें। खुलती है तो एक दो नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों पैसे बाहर निकल रहे हैं और ये बताता है कि झारखंड को किसने लूटा। आज सारा सिस्टम को ध्वस्त करके रखा है इन लोगों ने और कहते हैं कि भाई हम झारखंड का विकास कर रहे हैं। आप झारखंड का विकास नहीं, आप झारखंड का विनाश कर रहे हैं और आने वाले 13 तारीख को जनता इसका हिसाब लेगी। जनता अपने वोट से जवाब देगी। अगर झारखंड और उत्तराखंड एक नंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं तो आप दो नंबर को मनाते हैं, मतलब एक साथ ये दोनों प्रदेश पैदा हुआ। और अभी का ये जो लोकसभा चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं। ये हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको रुकेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।